हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ बीना और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ खजूर इमली की चटनी। तो चलिए रेसिपी की ओर बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 कप खजूर ली है और उससे 1/2 कप मैंने यहाँ पर ली है इमली। तो मैं इसे प्रेशर कुकर में डालकर इसे 4 व्हिसल आने तक बॉईल कर लूँगी। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखें कि जितनी भी आप खजूर यूज़ कर रहे हो उससे कम क्वांटिटी में, उसकी आधी क्वांटिटी में आप इमली को यूज़ करें। तो मैंने यहाँ पर 2 कप पानी डाला है और प्रेशर कुकर को बंद कर मैं इसकी 4 व्हिसल लगा लूँगी। तो मैंने यहाँ पर 4 व्हिसल लगाकर इसे बॉईल कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसमें मैं 1 ग्लास जितना पानी ऐड करूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि चटनी एक रस हो जाए। ये बहुत गर्म है तो हमें इसे ठंडा कर ही निकालना है। तो मैंने यहाँ पर एक छलनी ली है, उसके नीचे मैंने पतीला रखा है। अब हमारी चटनी ठंडी हो चुकी है तो मैं इसमें थोड़ी सी चटनी इसमें डालकर अब मैं इसे निकालूँगी। तो मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी का यूज़ कर रही हूँ, आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ करते जाएं और इसे चटनी को हाथों से निकालते जाएं। हमें इस तरीके से ऐसे प्रेस कर चटनी को निकालना है। अगर आपके घर में ब्लेंडर या फिर मिक्सचर नहीं हो तो आप इस तरीके से चटनी को निकाल सकते हैं और ये प्रोसेस फटाफट हो जाती है। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और पास में दिए गए बेल बटन को ज़रूर से क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और सबसे पहले मेरे वीडियो को आप देख सकें। तो आप देख सकते हैं मैंने बाकी की चटनी को भी इसमें डाल दिया है। मैंने इतनी चटनी निकालने में करीबन 1 ग्लास पानी का यूज़ किया है। अगर आपको इतना पानी का यूज़ नहीं करना हो तो आप 1/2 ग्लास पानी का यूज़ भी कर सकते हैं और इस चटनी को आप 1 महीने के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। एयरटाइट कंटेनर में आप 1 महीने तक चटनी को रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगी। तो आप देख सकते हैं मैंने पूरी चटनी को निकाल लिया है और इसके एंड्स को हमें फेंक देना है। तो ये वाली चटनी हम 1 महीने तक फ्रिज में स्टोर कर लेंगे। बाकी की चटनी में अभी के लिए यूज़ में लेनी है तो इसमें मसाले में ऐड करूँगी। तो मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाला है, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 5 टीस्पून मैंने यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल किया है जिससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो आप इस चटनी को 2-3 दिन के लिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें मैंने सब मसाले डाले हैं और ये मसाले वाली चटनी फ्रिज में 2 से 3 दिन तक या 4 दिन तक चलेगी, उसके बाद ये चटनी बिगड़ जाएगी। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ स्वाद अनुसार नमक। नमक मैंने पहले यूज़ नहीं किया था क्योंकि पहले मैंने चीनी डाली थी। दोनों चीज़ें साथ में डालने से चीनी जल्दी मेल्ट नहीं होती है, इसीलिए पहले मैंने चीनी डाली और उसके बाद मैंने लास्ट में नमक डाला है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखें। तो आप देख सकते हैं हमारी खजूर इमली की चटनी रेडी है। आप इसे समोसा, वड़ा, कचौरी, दाबेली, भेल और पानीपुरी
सब नाश्तों में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनती है। और हमें यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें मसाले वाली चटनी को स्टोर नहीं करना है, हमें बिना मसाले वाली चटनी को ही फ्रिज में स्टोर करना है। तो ये चीज़ आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा। मैं फिर मिलूँगी एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।